डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है। बीए फाइनल ईयर की क्लास में हम लास्ट टाइम हम जो वीडियो बना था उसमें हम देख रहे थे इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी एट्स नाम की पोएम पे चर्चा कर रहे थे। इस पोएम में पोएम का जो राइटर है जिसका नाम है डब्ल्यू एच ओडन, वो अपने साथी कवि डब्ल्यू बी एट्स की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है और अपने विचार व्यक्त करता है। इस कविता की खास बात ये थी, इस कविता के अंदर डब्ल्यू एच ओडन डब्ल्यू बी ईट्स को ग्लोरीफाई नहीं करता है, गौरवान्वित एक बड़े महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि उसको एक आम आदमी के रूप में चित्रित करता है जो समाज में बिना कोई परिवर्तन लाए हुए अब इस संसार से चला गया और मर गया। इस नोट को आधा हमने देख लिया था, अब जहाँ से हमें पढ़ना है वो सेकेंड सेक्शन से पढ़ना है। तीन सेक्शन इसमें हैं तो जिसके बारे में बात करते हैं। द सेकेंड सेक्शन स्टार्ट्स विद द टेलिंग, और दूसरा सेक्शन है वो शुरू होता है बताने से, दैट ईट्स वॉज एज कॉमन एज अदर, कि ईट्स उतना ही सामान्य व्यक्ति था जितना कि दूसरे लोग थे। ही हैड द इन्फर्मिटीज ऑफ नेचर लाइक कॉमन पीपल, और उसके अंदर भी कमजोरियाँ थी नेचर स्वभाव की लाइक कॉमन पीपल, आम आदमियों के समान स्वभाव की कमजोरियाँ थी। द पुअर कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड सफर्ड हिज मच, और इस संसार की जो लाचार स्थिति थी वो भी उसे सफर करती थी, दुख देती थी, पीड़ित करती थी। बट पोइट्री कैन नॉट मेक एनीथिंग हैपन, लेकिन काव्य किसी भी चीज़ को घटित नहीं कर सकता है, एंड इट कैन नॉट ब्रिंग फॉर चेंज, और ये परिवर्तन भी नहीं ला सकता है, ये परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर सकता है और किसी भी चीज़ को घटित नहीं कर सकता है। इट ड्राइव्स एट हार्ट, जो पोइट्री है वो तो हृदय से उत्पन्न होती है, लिव्स इन लैंग्वेज और भाषा में जीवित रहती है। इट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ, और ये जीवन की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करती है। एंड थर्ड सेक्शन, तीसरे सेक्शन में बताया गया है इसमें इट्स हैज बीन टोल्ड, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, जो थर्ड सेक्शन है लास्ट एंड थर्ड वन प्रेजेंट द एविलेशन ऑफ आर्ट, जो तीसरा और अंतिम जो भाग है वो उसकी कला का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। तो थर्ड सेक्शन के अंदर क्या बताते हैं देखते हैं। थर्ड सेक्शन में ईट्स हैज बीन टोल्ड एज ऑनर्ड गेस्ट, इसमें ईट्स को एक ऑनर्ड गेस्ट, एक सम्मानित मेहमान के रूप में बताया है। हु इज लाइंग इन द लैप ऑफ अर्थ, जो कि पृथ्वी की गोद में लेटा हुआ है। ही इज लाइक एन आयरिश वेजल, वह एक आयरलैंड के आयरिश वेजल एक जहाज के समान है। विदाउट इट्स वेल्युएबल मटीरियल, जिसके अंदर कोई भी मूल्यवान सामग्री नहीं है, इसकी मूल्यवान सामग्री निकाली जा चुकी है। द टाइम रेस्पेक्ट्स नन, समय किसी का सम्मान नहीं करता है, एंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज को नष्ट कर देता है। बट इट लीव्स लैंग्वेज अनहार्म्ड, लेकिन यह भाषा को अनहार्म्ड यानी नुकसान रहित बनाए रखता है, भाषा को नुकसान नहीं पहुँचाता है। टाइम हैज फॉर गिवन राइटर्स लाइक रुडयार्ड कीपलिंग, समय ने तो माफ कर दिया है लेखकों को जैसे रुडयार्ड किपलिंग है, पॉल क्लोडेल है, विद हिज पर्सनल कॉन्ट्रोवर्शियल आइडियाज, उनके व्यक्तिगत विवादास्पद विचारों के लिए रुडयार्ड किपलिंग और पॉल क्लोडेल जैसे लेखकों को माफ कर दिया है। ओनली बिकॉज ऑफ देयर राइटिंग वेल, केवल इस वजह से क्योंकि उन्होंने अच्छा लिखा है। तो समय हर चीज़ को माफ कर देता है। रुडयार्ड किपलिंग ब्रिटिश जो पोइट हैं, राइटर हैं, और पॉल क्लोडेल हैं, इनके विचार इनके समय पर विवादास्पद थे क्योंकि ये ब्रिटेन की साम्राज्यवादी छवि का को पक्ष लेते थे, लेकिन समय ने इनको भी माफ़ कर दिया, केवल इसलिए माफ कर दिया क्योंकि इन्होंने हमेशा अच्छा लिखा है। दैट टाइम, और उस समय द वर्ल्ड वर्ल्ड वॉज पासिंग थ्रू हर टाइम, जो संसार है वो बुरे समय से गुजर रहा था। ऑल द यूरोप वॉज बर्निंग इन फायर ऑफ डिक्टेटरशिप, और उस समय जो पूरा यूरोप था वो जल रहा था फायर ऑफ डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही की आग में, हेट्रेड नफरत की आग में, और मर्सीलेस और निर्दयता की अत्याचार की आग में जल रहा था। यह वही समय था जब हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन जैसे तानाशाह यूरोप में और पूरे विश्व में दहशत मचा रहे थे। उस समय संसार था जो तानाशाही, नफरत और निर्दयता से जूझ रहा था। बट अमंग द प्रॉब्लम एंड थ्रेट्स, लेकिन इन्हीं समस्याओं और खतरों के बीच में पोइट इज इंस्पायरिंग, ये जो कवि है वो प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा देने वाला है। ही कैन कल्टीवेट अ फ्लावर गार्डन, और ये कवि ऐसा है जो कि एक फूलों का बगीचा उत्पन्न कर सकता है। आउट ऑफ कर्सेज ऑफ द एज, इस युग के कर्सेज इन अभिशापों के बीच में एक फूलों का एक बगीचा तैयार कर सकता है।
फॉर ही सिंग्स ऑफ ह्यूमन मिजरी, क्योंकि यह कवि गाता है मानव पीड़ाओं के बारे में एंड अनसक्सेसेस और असफलताओं के बारे में, क्योंकि जो ईट्स जो कवि है इसने अपने कविताओं के अंदर मनुष्य के दुखों और मनुष्य की असफलताओं के बारे में लिखा है। ही कैन फ्लो अ हीलिंग फाउंटेन, और वो बहा सकता है एक हीलिंग फाउंटेन, एक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला एक फाउंटेन, एक झरना है उसको बहा सकता है फॉर द सफरिंग पीपल, दुखी लोगों के लिए। एंड कैन टीच द एम्बिटर्ड सोल टू प्रेस ब्यूटी, और कड़वाहट से भरी हुई जो आत्माएं हैं उनको सिखा सकता है टू प्रेस ब्यूटी, सुंदरता की प्रशंसा करना। लेकिन इसका यह कवि इंस्पायरिंग है, प्रेरणा देने वाला है, यह लोगों के लिए जो दुखी लोग हैं उनके लिए उनके स्वास्थ्य सुधार करने वाला एक झरना उत्पन्न कर सकता है, और लोगों की जो कड़वाहट से भरी हुई आत्माएं हैं उनको सुंदरता का पाठ सिखा सकता है। दस इस प्रकार एलिजी ग्लोरीफाई ईट्स, इस प्रकार एलिजी अप्रत्यक्ष रूप से ईट्स को गौरवान्वित करती है विदाउट मेकिंग एनी अटेम्प्ट टू डू सो, ऐसा करने का बिना कोई प्रयास किए हुए, बिना प्रयास के वो ईट्स को ग्लोरीफाई करती है, गौरवान्वित करती है। द एलिजी थ्रो लाइट्स ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ द पोइट, और ये एलिजी है कवि के असाधारण प्रतिभा पर प्रकाश डालती है इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की उस समय की तत्कालीन जो वर्तमान स्थितियाँ थी उन परिस्थितियों के संबंध में जो कवि का जो असाधारण जो व्यक्तित्व था, जो प्रतिभा थी, उस पर प्रकाश डालती है। तो इस नोट के अंत में कहना चाहूँगा कि यद्यपि W.H. ऑर्डन ने प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रयास नहीं किया है W.B. ईट्स के चरित्र को, उसकी कला को गौरवान्वित करने का, लेकिन जाने अनजाने अप्रत्यक्ष रूप से वो यहाँ पर कवि को ग्लोरीफाई कर रहा है, क्योंकि कवि की जो पोइट्री है, साहित्य है, जो कला है वो हमेशा इंस्पायरिंग रहेंगी और दुखी लोगों को दिलासा देने वाली और करवाट से भरे हुए लोगों को सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। आप इस नोट्स का अच्छी तरह से अध्ययन करें। धन्यवाद।